हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडे वीडियो, मैं सभी व्यूअर्स से कहना चाहूँगी, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज़ आगे हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ आएंगे एंड ये जो वीडियो अपलोडेड हैं आपको एज अ फ्री कोर्स प्रोवाइड हो रही है इस चैनल पे। सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो लेट्स स्टार्ट अ टुडे वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आ न्यू टॉपिक, दैट इज़ जावा इनर क्लास, कि हम कैसे इनर क्लास को डिक्लेयर कराते हैं एंड कैसे उसका रेस्पेक्टिव आउटपुट हम प्रिंट करा सकते हैं थ्रू आर आउटर क्लास। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर दैट लेट्स हैव अ लुक हेयर कि एक्चुअली हम बात इनर क्लास की कर क्यों रहे हैं। हेयर अगर मैं कहूँ इनर क्लास, इनर क्लास के मीन से आप क्या समझ सकते हैं? हमने अपने क्लास में डिफरेंट क्लासेस की डिफाइनिंग पढ़ी थी एंड उसका वीडियो होल प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, सो यू कैन अवेल फ्रॉम दैट। डिफरेंट क्लासेस पढ़ी थी एंड उसमें डिफरेंट क्लासेस के अंदर हमने डिफाइनिंग करी थी अपने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स की। अगर हम इनर क्लास की बात कर रहे हैं सो आप समझ सकते होंगे इनर का मीन्स एक्चुअली होता क्या है। इनर का मीन्स होता है किसी चीज़ के अंदर, किसी के अंदर। लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल। अगर हम यहाँ पे बात करें, लेट आई ड्रॉ सर्कल, यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, उसके अंदर मैंने एक और सर्कल ड्रॉ किया है एंड इसको हमने नेम दिया है C1 एंड इसको हमने नेम दिया है C2। जो हमारा C1 है उसका जो सर्कमफ्रेंस है, दैट इज़ जो ये एरिया कवर कर रहा है हमारा C1 सर्कल, उसका जो सर्कमफ्रेंस है वो ज़्यादा है। C1 का जो सर्कमफ्रेंस है, लेट कॉल इट एज सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस, तो ये C1 का सर्कमफ्रेंस ग्रेटर है C2 से। सो आप क्या कह सकते हैं, C1 जो सर्कल है वो हमारा क्या है? C1 है हमारा आउटर सर्कल एंड यहाँ पे जो हमारा C2 है क्या है? हमारा इनर इनर सर्कल। सो हम कह सकते हैं C1 के अंदर जो C2 है उसका जो रेडियस होगा, आप C2 का अगर हम इसका रेडियस मानते हैं अपने C1 सर्किल का R1, एंड इस सर्किल का मानते हैं हम अपना R2। सो C1 के अंदर जो C2 है उसका रेडियस क्या होगा? उसका रेडियस हमारा होगा R2। इजंट इट, समझ में आया आपको? C1 के अंदर की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ दैट इज C1.C2 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। बिकॉज सिंस यहाँ पे डॉट लगा दिया है हमने, सो यहाँ पे डॉट का मीन्स क्या है? अब जो वैल्यू ये कंटेन करेगा वो कंटेन किसकी करेगी? अब हमारी इनर सर्कल की, इनर के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सिमिलरली अगर हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्लास की बात करें, हमने अपनी क्लासेस देखी थी, मल्टीपल क्लासेस की डिफाइनिंग की थी,
जिसमें हमने फर्स्ट क्लास जो थी वो हमारी मेन के लिए थी, एंड अनदर में हमने क्या ड्राइव किए थे, अपने एट्रीब्यूट्स को सेव कराया था। सो ये जो हमारी डिफरेंट क्लासेस थी, अगर हम अपनी जिसमें हमने अपना एट्रीब्यूट प्रोवाइड किया है, दैट इज़ हमारी जो आउटर क्लास है, आउटर क्लास है, अगर उस आउटर क्लास के अंदर हमने एक एट्रीब्यूट प्रोवाइड कराया है, लाइक हेयर मैं प्रोवाइड कराती हूँ इंटीजर में एक्स, बट मैं चाहती हूँ इसी आउटर क्लास के अंदर हम क्या प्रोवाइड कराएं अपनी एक इनर क्लास। सो इसी के अंदर मैंने अपना अनदर इनर क्लास प्रोवाइड कराया, एंड उसमें मैंने प्रोवाइड कराया इंटीजर एक्स इज इक्वल्स टू 5। आप ऐसे एग्जांपल समझ सकते हैं कि कोई कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमने कोई भी कंटेंट को रख रखा है। सो हम कह सकते हैं हम अपनी आउटर क्लास के अंदर एक इनर क्लास भी प्रोवाइड करा सकते हैं जो हमारे यूजफुल होगी आउटपुट को प्रोवाइड कराने में। सो लेट्स हैव अ लुक हियर द नोट्स जो मैंने प्रोवाइड कराए हैं कि हम कैसे इनर क्लास से ऑब्जेक्ट क्रिएट करा के आउटपुट प्रोवाइड करा सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए मैंने पहला कोड लिख रखा है यहाँ पे आउटर क्लास एंड इनर क्लास के लिए। देन यहाँ पे मैंने अपना एक आउटर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया है, देन मैंने अपना इनर क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया है। सी अगर हम इसके बेसिक सिंटैक्स की बात करें फ्रॉम हेयर, सो पहले आएगी हमारी आउटर क्लास डॉट इनर क्लास, देन हम कोई भी ऑब्जेक्ट का नेम प्रोवाइड कराएंगे, देन उस ऑब्जेक्ट के नेम को हम प्रोवाइड किससे कराएंगे, अपने आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट के नेम से, देन डॉट न्यू में हम प्रोवाइड कराएंगे अपने इनर क्लास को एज अ फंक्शन। मैं इसको एक बार और आपको बताती हूँ कि मैं एक्चुअली कहना क्या चाह रही हूँ इसके सिंटैक्स के बारे में। स्टेप वन की बात करें तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपनी आउटर क्लास बनानी है, आउटर क्लास डिफाइन करानी है, एंड उसके अंदर हम प्रोवाइड कराएंगे अपनी क्या इनर क्लास। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है स्टेप टू में, सिंस हमें अपनी क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको अपने मेन फंक्शन में प्रोवाइड कराना है, स्टेप टू में ये आप याद रखिएगा अपने मेन फंक्शन के अंदर अब हम क्या कराएंगे, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कराते हैं। ये चीज़ मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताई है कि मेन फंक्शन के अंदर हमेशा ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है, ऑब्जेक्ट होगा हमारा क्रिएट। स्टेप टू के अंदर ही हम इसके अगर सब पार्ट करें, 2.1 में जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, पहला ऑब्जेक्ट होगा हमारी आउटर क्लास के लिए जिसके लिए हम प्रोवाइड कराएंगे आउटर क्लास, एंड जैसे हम नॉर्मल अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कराते हैं वैसे हम इसे प्रोवाइड कराएंगे। आउटर क्लास में हमने ऑब्जेक्ट वन प्रोवाइड कराया, वन प्रोवाइड करा के इज इक्वल्स टू न्यू, एंड हम प्रोवाइड कराएंगे इसमें अपना ऑब्जेक्ट, और हम कह सकते हैं अपनी आउटर क्लास का फंक्शन, आउटर क्लास का फंक्शन, ताकि जो एट्रीब्यूट्स है आउटर क्लास के ले सके। नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे, अब हम बात कर रहे हैं अपनी इनर क्लास की, इनर क्लास को कैसे डिफाइन करा सकते हैं, ये बात है हमारी इनर क्लास के लिए। सो यहाँ पे अब आप देखिए हम सबसे पहले अपनी आउटर क्लास प्रोवाइड कराएंगे,
देन हम डॉट प्रोवाइड करा के अपनी इनर क्लास प्रोवाइड कराएंगे, देन हम उसको प्रोवाइड कराएंगे कोई भी ऑब्जेक्ट का नेम। ऑब्जेक्ट टू हमने प्रोवाइड कराया, देन यहाँ पे हम अपनी आउटर क्लास लेंगे, देन डॉट हम यहाँ प्रोवाइड कराएंगे न्यू में अपनी इनर क्लास का फंक्शन। सी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने डिफरेंस सिर्फ क्या किया है, अपने इनर क्लास के ऑब्जेक्ट को जैसे हम सिंपली क्रिएट करते हैं वैसे क्रिएट करना है, एंड बिफोर दैट उसमें हमने ओसी डॉट ज्वाइन करा दिया है। बस ओसी दैट इज़ आउटर क्लास को हमें बस ज्वाइन करा देना है। सो इसमें आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लर्न करने में। सो ये बेसिक था ताकि आप आउट कैसे इनर क्लास की डिफाइनिंग करा सकते हैं। सो इस PDF के अंदर मैंने डिफरेंट कोड्स प्रोवाइड कराए हैं, सो लेट्स हैव अ लुक हेयर। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने आउटर क्लास प्रोवाइड कराई है और उसके अंदर ही मैंने एक इनर क्लास प्रोवाइड कराई है। आउटर क्लास हमारी वर्क करती है एज अ मेन, जिसके अंदर जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं वो कंटेन किसको करते हैं, हमारी इनर क्लास के एट्रीब्यूट को भी कंटेन करेगी हमारी आउटर क्लास। सो हमने इस फाइल को सेव किया है आउटर क्लास के नेम से। सिंस हम मल्टीपल क्लासेस यूज़ कर रहे हैं, देन मैंने अनदर क्लास ली है जिसको मैंने INR के नेम से सेव किया है, एंड उसके अंदर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है अपना मेन फंक्शन। एंड इनसाइड दिस मेन फंक्शन आप देख सकते हैं मैंने यहाँ प्रोवाइड कराए हैं, सबसे पहला अपने आउटर क्लास के लिए मैंने प्रोवाइड कराया है अपना ऑब्जेक्ट, देन मैंने इनर क्लास के लिए अपना प्रोवाइड कराया है यहाँ पे ऑब्जेक्ट माय आउटर एंड माय इनर नेम से। माय इनर में सिंस हमने एट्रीब्यूट y कंटेन कर रखा है, सो हमने यहाँ पे लिखा है माय इनर डॉट y, एंड यहाँ पे हमने आउटर में प्रोवाइड करा रखा है एट्रीब्यूट x। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटर में x है एंड इनर में y इक्वल्स टू 5 है, सो इसलिए हमने इसे सेव करा रखा है लाइक दिस। मैं इन दोनों को अलग अलग मल्टीपल क्लासेस में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं सो आप क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर दीजिएगा एंड ये पूरा मेन स्टेटमेंट अपने प्रीवियस जो हमने यहाँ पे ये प्रोवाइड किया है आउटर क्लास के अंदर डिफाइन करा दीजिएगा, सो भी तब भी आपका आउटपुट रन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसका आउटपुट प्रोवाइड करा रखा है आपको। सबसे पहले मैंने अपनी आउटर क्लास डॉट जावा को इम्पोर्ट कराया है अपने कंपाइलर पे, देन मैंने अपने इनर क्लास को इम्पोर्ट कराया जिसमें हमारा मेन फंक्शन कंटेन है, देन हमने जो मेन फंक्शन कंटेन फाइल है उसको हमने जावा INR से रन कराया एंड आउटपुट हमें प्रोवाइड हो गया 15। सिंस यहाँ पे यूज़ हो रहा है हमारा प्लस का साइन, सो यहाँ पे वैल्यू लेगा 10 प्लस 5 दैट इज़ 15 एट द आउटपुट। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं इनर क्लास की डिफाइनिंग कराते हैं। ये इनर क्लास की डिफाइनिंग इजी है बिकॉज इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको इनर क्लास जैसे आप नॉर्मल क्लास डिफाइन कराते हैं उसको सिर्फ आपको इनसाइड आउटर क्लास में डिफाइन करा देना है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट इज प्राइवेट इनर क्लास, हमने डिफाइन कराई है अपनी प्राइवेट इनर क्लास। सो लेट्स हैव अ लुक हेयर एट द आउटपुट फर्स्ट, एंड मैं इसकी डिफाइनिंग आपको ज़्यादा इसलिए नहीं बता रही हूँ बिकॉज अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैं हर एक मॉडिफायर को अच्छे से समझा चुकी हूँ, सो मुझे नहीं लगता गाइज आपको अभी तक कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी। बस अब एक चीज़ याद रखिए यहाँ पे प्राइवेट की अगर हम बात करते हैं, अगर आपकी प्राइवेसी की बात करी जाती है तो क्या होता है, कुछ थिंग आपकी प्राइवेट होती है आप किसी को डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं,
दैट इज़ जब कभी भी हम आउटर क्लास के अंदर इनर क्लास में प्राइवेट डिफाइन करेंगे। सो जो प्राइवेट की डिफाइनिंग होगी, इसका जो एट्रीब्यूट होगा वो प्रोटेक्टेड रहेगा इनसाइड आर आउटर क्लास। सो लेट्स हैव अ लुक एट द आउटपुट फर्स्ट। वेट गाइस, लेट्स चेक हेयर। आउटर क्लास डॉट जावा। जावा आउटर क्लास। जी यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, हम मेन क्लास को आउटर क्लास में लोड नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एरर प्रोवाइड करा रहा है आउटर क्लास डॉट इनर क्लास का। सिंस अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस कोड के अंदर, क्या प्राइवेट का मींस क्या होता है, जो हमारी इनर क्लास है उसका असेस नहीं हो पाएगा आउटर क्लास के अंदर। दैट इज़ जितने भी हम एट्रीब्यूट प्रोवाइड कराएंगे अपने इनर क्लास को एज अ प्राइवेट, प्राइवेट सिर्फ कॉन्फिडेंशियल किस में रहेंगे, हमारी इनर क्लास के अंदर। लेकिन हमने फाइल अपनी आउटर क्लास से सेव करी है, एंड जो हमारी मेन फाइल होती है, जब हमने अपना प्राइवेट मॉडिफायर डिस्कस किया था तो हमने क्या कहा था, सेम फाइल के अंदर हमारा प्राइवेट मॉडिफायर अगर सेव होता है तभी आउटपुट हमारा रन होगा, अदरवाइज हमारा कोड रन नहीं होगा। सो इसी वजह से ये हमारा आउटपुट नहीं प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करते हैं अपनी स्टैटिक इनर क्लास की, स्टैटिक का मीन्स होता है यहाँ पे स्टेशनरी। हमने इसको डिटेल में अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर रखा है। सो लेट्स हैव अ लुक हियर नाउ। हम बात करते हैं अपने स्टैटिक मॉडिफायर की। वेट गाइस, वेट फॉर अ वाइल। नेक्स्ट हम अपना बाकी का कोड अपनी INR में सेव करते हैं। सी अब आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, हमने अपनी आउटर क्लास एंड इनर क्लास में स्टैटिक मॉडिफायर यूज़ किया है, दैट इज स्टेशनरी रहेगी हमारी वैल्यू y इज इक्वल्स टू 5। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने एक INR नेम से क्या प्रोवाइड करी है अपनी अनदर क्लास, एंड उसके अंदर हमने क्या प्रोवाइड किया है, प्रिंट एल एन माई INR डॉट वाई। सो लेट्स हैव अ लुक एट द आउटपुट कि हमें आउटपुट क्या प्रोवाइड कराता है।
वेट हेयर, हमने यहाँ पे जैसे ही myinr.y प्रिंट कराया है, सो ये आउटपुट प्रोवाइड करेगा हमें 5। एंड ये मैं आपको मल्टीपल क्लास के थ्रू समझा रही हूँ। अनदर क्लास में INR में मैंने सेव किया है अपना माई इनर, बट यहाँ पे हमने मॉडिफाई यूज़ किया है स्टैटिक। सो लेट्स हैव अ लुक। जावा INR, सी आउटपुट में प्रोवाइड करा रहा है 5। अगर हम स्टैटिक कीवर्ड की बात करते हैं तो इसका मीन्स क्या होता है? स्टैटिक का मीन्स होता है स्टेशनरी, बट स्टैटिक जो होता है वो यूज़ होता है एज अ पब्लिक। दैट इज़ हम इसको डिफरेंट क्लास के अंदर यूज़ करा सकते हैं इसके एट्रीब्यूट को। सो हमने यहाँ पे यूज़ कराया है अपना int y इज़ इक्वल्स टू 5। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट प्रोवाइड हो गया हमारा 5। सो इस तरीके से हम डिफरेंट मॉडिफायर्स को यूज़ करा सकते हैं अपने इनर क्लास के अंदर। नेक्स्ट ईयर कि हम कैसे असेस करा सकते हैं अपनी आउटर क्लास को। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि हम इनर क्लास को कैसे असेस कराएं फ्रॉम आउटर क्लास, बट अगर हम बात करें अपोजिट की, सो यहाँ पे मैंने कोड प्रोवाइड किया है जिसमें मैंने आउटर क्लास की डिफाइनिंग करी है। देन यहाँ पे मैंने मेथड यूज़ करा दिया है एक, जो हमें रिटर्न कर रहा है एक्स की वैल्यू, दैट इज़ प्रोवाइड करेगा हमारी आउटर क्लास की वैल्यू। एंड यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट अपना सेम सिमिलर प्रोवाइड कराया है माई आउटर नेम से। देन इनसाइड आउटर क्लास डॉट इनर क्लास माई इनर के अंदर हमने अब यहाँ पे क्या कहा है, जो हमारी आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट था उसका नेम डॉट न्यू इनर क्लास। एंड हेयर हमने माई इनर डॉट माई इनर मेथड को आउटपुट में प्रोवाइड करा दिया है। सो ये मेथड हमारे किस लिए है? ये था हमारा जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को आउटर क्लास के आउटपुट में प्रोवाइड कराना है इनसाइड इनर क्लास। दैट इज असेस करना है हमें आउटर क्लास के मेंबर फ्रॉम इनर क्लास। सो लेट्स हैव अ लुक इसका आउटपुट। बताने की शायद ज़रूरत नहीं है आप सभी को, बट आउटपुट इज़ हेयर 10। सो एक बार हम इस कोड को रन करके आपको दिखा देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। वेट हेयर, एंड लेट आई रन दिस। आउटर क्लास डॉट जावा जावा आउटर क्लास। यहाँ पे दिखा रहा है कुडंट फाइंड और लोड मेन क्लास आउटर क्लास। सो लेट्स हैव अ लुक हियर।
wait for a while here. Let's check it again. Here I am going to save with the name INR. हम इसमें यूज़ कर रहे हैं अपनी मल्टीपल क्लास को. सो लेट हैव अ लुक हेयर अगेन. outer class.java. inr.java. wait here. java inr.java. system.out.println. सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा कर्ली ब्रेसेस का डिफरेंस आ गया था. वेट हेयर. सीडी डेस्कटॉप. वेट outer class.java inr.java inr. see output provide करा रहा है हमें 10. इनसाइड दिस कोड आप देख सकते हैं हमने अपनी आउटर क्लास के अंदर इनर क्लास में माई इनर प्रोवाइड किया. देन अपने माई आउटर को डॉट न्यू इनसाइड इनर क्लास हमने प्रोवाइड किया है. दैट इज़ हम क्या करा रहे हैं यहाँ पे, प्रोवाइडेड जो हमारी आउटर क्लास थी उसमें जो एट्रीब्यूट कंटेन थे हम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं थ्रू इनर क्लास. अगर मैं अपने प्रीवियस, लेट्स हैव अ लुक हियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या प्रोवाइड किया था, दिस सिंटैक्स. बट अगर हम बात कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ एक बार बता देती हूँ, अगर हमें असेस क्या कराना है, असेस करानी है आउटर क्लास को, सो हमारा सिंटैक्स क्या होगा, oc.ic that is object class dot inner class object to is equals to object one जो हमने define किया है अपनी outer class के लिए one dot new में हम provide कराएंगे अपनी inner class को. so ये difference है हमारा assess कराने के लिए object class को
ये सिंटैक्स है, एनएसएस कराने के लिए इनर क्लास को ये सिंटैक्स है। सो आप ये सिंटैक्स याद रखेंगे सो आपका रेस्पेक्टिव आउटपुट प्रोवाइड हो जाएगा। सो गाइस, ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी आपको। इसमें मैंने सिर्फ मेन कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।